बढ़ेंगे आगे। खबर भिवानी से है, जहां पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने बयान दिया है एमसीडी चुनाव के नतीजों पर। दिग्विजय चौटाला बोले हैं, दिल्ली में लंबे समय से आम आदमी पार्टी की सरकार है और अब ये देखेंगे कि दिल्ली में कितना विकास करवाते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है, दिग्विजय सिंह ने इस बात को कहा है। तो दिल्ली में लंबे समय से आपकी सरकार है, दिग्विजय चौटाला की तरफ से ये बात कही गई है। और उन्होंने अब ये कहा, चूंकि एनसीडी के अंदर भी अब आम आदमी पार्टी आ गई है, तो देखते हैं कि दिल्ली का और कितना विकास अब आम आदमी पार्टी करवाती है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की तरफ से बयान दिया गया है। हालांकि भिवानी में जेजेपी के स्थापना दिवस पर जो रैली का आयोजन है, उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे भिवानी दिग्विजय चौटाला, और आम आदमी पार्टी को लेकर के ये बयान उन्होंने वहीं पर दिया। गुजरात में एंट्री तो मैं कल रिजल्ट के बाद मानूंगा, आज नहीं मानूंगा, मगर एमसीडी के अंदर, क्योंकि वहां उनकी सरकार है और लंबे समय से दिल्ली में एक ही बात कहकर के वो सत्ता में आए हैं कि आधी सरकार है, पूरी सरकार तब होगी जब एमसीडी होगी, बट शायद उनको एक अवसर दिया है कि लो पूरी सरकार हम आपको देते हैं और जिन मुद्दों पर आप बन करके आए उनको पूरा करें। नहीं, हरियाणा में तो आपने आदमपुर में देखा, और जो है ना, कोई ज्यादा अच्छा रिजल्ट उनके नहीं रहे हैं। यहां पर लीडरशिप लैक करती है, उनके पास लीडरशिप नहीं है। हरियाणा में जहां भी वो जीते, दिल्ली में जीते केजरीवाल जी के नाम पर, पंजाब में जीते भगवंत मान जी के नाम पर, अन्यथा जहां जहां भी आम आदमी पार्टी लड़ी वहां उनको बुरी डिफीट मिली, क्योंकि कोई लीडरशिप, कोई चेहरा नहीं था।